हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी के द्वारा देखिए रोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आने वाली है और आपके कंसर्निंग सब्जेक्ट यानी कि आप जिस पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हो उसमें कितने पदों की रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट, और आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहां से मिलती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो बीपीएससी TRE 3.0 का रोस्टर है, यानी कि विषयवार सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए सीधे पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये देखो पीडीएफ है, थोड़ा सा ब्लर है, माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन क्या करूं। यहां से आप देख पाओगे विज्ञापन जो संख्या प्रकाशित की गई है उसके लिए देखिए पद जो है, मैं सबसे पहले आपको जो है 11 12 की ओर लेकर चलूंगा और फिर हम लोग पीछे की ओर आएंगे। यहां से देखो 11 12 के लिए जो देखिए बायो के लिए जो रिक्रूटमेंट है, अनरिजर्व के लिए 220 है। मैं ध्यान से आपको मैं बता रहा हूं, पूरी वीडियो आप देखना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। और इधर देखो 78 EWS के लिए 204 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें हैं, 139 पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 144, 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी, लगभग 804 वैकेंसी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये 804 ही है बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं, हाँ अब आप अच्छे से देख पाओगे। अब देखो वनस्पति विज्ञान के लिए 366, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 134, EWS के लिए 338 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 242 पिछड़ा वर्ग के लिए, 261 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 34 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1375 पद आपको वनस्पति विज्ञान में मिलेगा। केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पे देखिए 3424 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, 873 अनरिजर्व है, 337 EWS के लिए, 854 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 615 पिछड़ा वर्ग के लिए, 675 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 70 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। मैथमेटिक्स यानी कि गणित की बात करूं तो 304, 108 आपको EWS के लिए मिलेगा, 283 जो है आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मिलेगा, 207 पोस्ट जो है आपको जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए मिल जाएगा, और 220 पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए और 27 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1149 पोस्ट आपको यहां से देखने को मिलेगा। फिजिक्स की बात करें तो 450 अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए है, 171 जो है EWS के लिए, 432 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, 317 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए मिलेगा, और मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आप चीजों को देख पाओगे अच्छे से, और 342 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए, 35 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, 1747 पोस्ट आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। अब आगे देखिए अर्थशास्त्र के लिए टोटल जो है 300 वैकेंसी आई है, सबसे कम इसी में आई हुई है। भूगोल के लिए देखिए यहाँ पे 385 और 1631 जो है इतिहास के लिए आई हुई है, और आप कैटेगरी वाला देख सकते हो, 424 जो है जनरल के लिए है, 159 जो है EWS के लिए, 398 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 293 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 320 है, और 37 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। महिलाओं की बात कर लेते हैं, पूरी बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहला जो पोस्ट है यहां से आप देखोगे इतिहास, वो 591 पोस्ट है आपके लिए, और थोड़ा और ऊपर उठोगे तो यहां पे देखिए इकोनॉमिक्स और जो वेट ए मिनट, देखिए दूसरा जो पोस्ट है वो भूगोल है, उसके लिए देखिए 88 पोस्ट आई हुई है, 85 या 60 पोस्ट जो है इकोनॉमिक्स के लिए, 632 पोस्ट है भूगोल के लिए, 386 पोस्ट है गणित के लिए, 1250 पोस्ट है रसायन शास्त्र के लिए, 498 जो है आपको वनस्पति विज्ञान में, और 251 जो है जीव विज्ञान में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं 9 10 में, 9 10 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 9 10 में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, सबसे पहले ये थोड़ा जो है ये डिसेबिलिटीज वाले के लिए है, विशेष विद्यालय के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देखो ये एक्चुअली 11 12 का है, 9 10 को हम लोग देखेंगे, ये रहा 9 10 अपना। अब देखिए हिंदी के लिए 534 पोस्ट जनरल वाले के लिए है, 2069 पोस्ट आई हुई है हिंदी के लिए, महिलाओं के लिए 743 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। आगे देखिए अंग्रेजी के लिए टोटल पोस्ट है 3551 पोस्ट, और जनरल के लिए 899, साइंस के लिए 758, और टोटल जो है 2969 वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पे इंग्लिश के लिए थोड़ी सॉरी साइंस के लिए जो है 1097 पोस्ट महिलाओं के लिए आई हुई है। गणित के थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओ, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, हाँ अब ये अच्छे से दिखेगा। SST की बात करें तो 1600 पोस्ट आई हुई है, जिसमें कि 421 जो है जनरल वाले के लिए है, महिला वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 581 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। संस्कृत के लिए 2000
204 पोस्ट है और 828 पोस्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा महिलाओं के लिए। 1353 पोस्ट है उर्दू के लिए और 489 पोस्ट जो है आपको महिलाओं के लिए दिख जाएगा। 194 अरबी के लिए है और 29 पोस्ट महिलाओं के लिए अरबी के लिए है। फारसी के लिए 288 और 54 पोस्ट है फारसी के लिए महिलाओं के लिए। 92 बंगला पोस्ट है और यहाँ पे 23 आपको दिख जाएगा महिलाओं के लिए। ललित कला के लिए 28 है, इधर 2 है महिलाओं के लिए। अब यहाँ से नृत्य के लिए देख लिए 181 पोस्ट है और 33 पोस्ट महिलाओं के लिए। और शारीरिक शिक्षा की बात करूँ तो 55 और यहाँ पे 5 वैकेंसी महिलाओं के लिए। 50 वैकेंसी जो है आपको मैथिली के लिए दिखेगा। तो और मैं संगीत वगैरह की भी बात करूँ तो यहाँ से आप पोस्ट को देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लोगे, इन्हांस कर लोगे ताकि आपको जो पिक्चर है वो विजिबल दिखे। 16,970 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है कितने 9 to 10 के लिए, लेकिन ये लगभग 17,000 है। लेकिन इसमें जो है अपने सब्जेक्ट में जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी के कैटेगरी को आप देख लेना तभी आप अप्लाई करना। महिलाओं के लिए 6,030 वैकेंसी आई हुई है 9-10 के लिए। अब 6 to 8 की बात करते हैं तो देखिए गणित और विज्ञान के लिए 791 पोस्ट है और इसमें टोटल जो पद है वो 3,562 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। एसएसटी के लिए 2,026 पोस्ट है, हिंदी के लिए 1,550, 1,969 पोस्ट आई है अंग्रेजी के लिए, 1,130 पोस्ट आई हुई है संस्कृत के लिए, 770 पोस्ट आई है उर्दू के लिए और टोटल वैकेंसी है 11,007। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो पोस्ट आई हुई है वो मैं आपको महिलाओं के लिए भी बता देता हूँ। 2,552 जो है गणित और विज्ञान में महिलाओं के लिए, 1,684 महिलाओं के लिए किसमें एसएसटी के लिए, 1,315 जो वैकेंसी है वो हिंदी के लिए है, 1,617 वैकेंसी जो है अंग्रेजी के लिए है, 822 जो है संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए 648, महिलाओं के लिए 8,638 वैकेंसी आई हुई है। अब 1 to 5 की बात कर लेते हैं तो 1 to 5 में देखिए जो टोटल पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3,868 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी आई है 15,359। महिला वर्ग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 12,667 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये सारी जो है विज्ञापन मैंने बता दिया। बाय द वे आपका सब्जेक्ट क्या है, 1 to 5 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 1 to 5 लिखिए, 6 to 8 है तो 6 to 8 लिखिए, साथ में सब्जेक्ट का भी नाम। 9-10 वाले भी उसी तरह से लिखेंगे और 11-12 वाले भी उसी तरह से लिखेंगे। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो वो भी नीचे जरूर मेंशन कर दें। अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया तो प्लीज ये डेटा आप जरूर दें ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो आप कहां कहां से देख रहे हो। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसे किसी एजुकेशनल टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक, ताकि लोगों को ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को यहां तक देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।